नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स की परेशानियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है। खबर यह है दीपक चहर को लेकर, और दीपक चहर ने खुद अपडेट दिया है कि वो आईपीएल खेलने कब से आ रहे हैं। और जैसे ही दीपक ने ये अपडेट दिया, चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में खुशखबरी आ गई। आपको बता दें कि दीपक चहर फिलहाल चोटिल हैं, एनसीए में हैं, जहां वो रिहैब से गुजर रहे हैं। शुरुआती कुछ मुकाबले वो नहीं खेलेंगे। पहले खबरें थी कि वो अप्रैल के मिड में चेन्नई सुपर किंग्स को ज्वाइन करेंगे, लेकिन दीपक चहर अब उससे पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये जानकारी उन्होंने खुद दी है। दरअसल दीपक चहर ने चेन्नई सुपर किंग्स के मैच प्रैक्टिस के दौरान सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ऑनलाइन बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि वह जल्द ही टीम के साथ जुड़ जाएंगे। चार इस समय आपको बता दें बंगलोर में एनसीए में हैं, जबकि चेन्नई की टीम सूरत में अपनी प्रैक्टिस इस वक्त कर रही थी, और अब वो मुंबई पहुंच चुकी है। चार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह अपने आने वाले कुछ ही समय में टीम के साथ जुड़ जाएंगे। सीएसके ने दोनों खिलाड़ियों के बीच बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट किया है, जहां से ये खबर निकल कर आई है। फिलहाल देखना होगा कि दीपक चहर किस तारीख से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ते हैं। फिलहाल वो अपनी इंजरी रिकवर कर रहे हैं, रिहैब में हैं वो, और इस वक्त एनसीए में हैं।